अभी 30 तारीख को उनकी फिल्म रिलीज हुई। इसी टॉपिक पे आते हैं, आपने फिल्मों का जिक्र किया, तो भाई 30 तारीख को 5 दिन के बाद ही है थिएटर में सूर्यवंशम। टाइटल एकदम खतरनाक है, वो अमिताभ बच्चन वाली फीलिंग वाली, हालांकि वो पारिवारिक माहौल वाला था, इसमें अलग माहौल है, इसका ट्रेलर अलग है, कटिंग है, गाने सारे वायरल है, बहुत अच्छी फिल्म है। सूर्यवंशम के ऊपर रिएक्शन? जी जी, सूर्यवंशम बेहतरीन इंडस्ट्री के टॉप डायरेक्टर रजनीश मिश्रा जी और टॉप प्रोड्यूसर निशांत उज्जवल जी और टॉप स्टार पावर स्टार, तो बहुत बेहतरीन सिनेमा है। और मैं बताया ना कि हर जोन क्या होता है कि हर डायरेक्टर अपना एक जोन होता है। भाई सुभाष घई जी का अलग जोन है, प्रकाश झा जी का अलग जोन है, संजय लीला भंसाली का अलग जोन है, तो हर जोन की फिल्में हैं भैया। अभी ये फिल्म है 30 तारीख को रिलीज हो रही सूर्यवंशम, इसका अलग जोन है, अल्टीमेटम धमाल है, पूरा देसी अंदाज में। इसमें पवन सिंह का डायलॉग है कि झमकावला से हुई वाला, हाँ। जो स्टाइल है जो उनका एक होता है कि झमकावला और कई सारे उनके जो नहीं, 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 वो जो आप बोल रहे हैं ना वो पावर स्टार, पावर स्टार का वो लाइन है। इसमें भी एक डायलॉग है जो मुझे एक्जेक्टली ध्यान में नहीं है, पंच लाइन कुछ ना, नाम के आगे जी, जी लगाओ, हाँ, नाम के आगे जी लगाओ, क्योंकि झमकावला से हुई, ये सब ऐसे डायलॉग है जो ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग है, हाँ। जो आप जिस लाइन की बात की उस फिल्म का नाम के आगे जी लगाओ, जी लगा, हाँ। ये उसमें ये सूर्यवंशम में डाला और झमकावला से हुई वो पावर स्टार में, पावर स्टार भी अपने आप में अलग सिनेमा है। फिरोज खान जी ने डायरेक्ट किया है, टॉप के डायरेक्टर, और उसको भी बनाया है समीर आफ्ताब जी ने, माइंड ब्लोइंग प्रोड्यूसर। तो हर फिल्म का अलग अलग जोन है और हर सिनेमा अपने आप में अल्टीमेटम है। लिखने की बात होती भैया जी, 30 तारीख को फिल्म आ रही है जी, तो क्या आप जी पवन सिंह को थिएटर में लेके आओगे? क्योंकि डिमांड करते, मैं रिव्यू करता हूँ ना थिएटर में, प्लानिंग है, पूरी प्लानिंग है, प्रोड्यूसर साहब की पूरी प्लानिंग है, निशांत भाई की पूरी प्लानिंग है, भैया की पूरी प्लानिंग है, हम लोग पूरा थिएटर थिएटर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, क्योंकि जो अभी हालात है ना सिनेमा हॉल के, तो हम लोग की प्लानिंग भी है, मतलब डायरेक्टर प्रोड्यूसर की और भैया की, कि नहीं ऑडियंस क्यों नहीं आ रही, उसका उसके पीछे रीजन क्या है, तो इस पे प्लानिंग पूरी चल रही है और हम लोग प्रमोशन में जाएंगे। तो भाई एक्सक्लूसिव है, पावर स्टार पवन सिंह कभी भी मूड बना सकते हैं और थिएटर में आ सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव भैया, मेरे को मत गरियाना इधर पूछना। नहीं नहीं नहीं, जाएंगे जाएंगे प्रमोशन में जरूर जाएंगे और तैयारी है, पूरी तैयारी है, प्रमोशन में जाएंगे। क्या लग रहा है कि सूर्यवंशम जिस तरीके से टाइटल हिट है, मतलब ट्रेलर लोगों को पसंद आया है, क्या ऑडियंस आएगी या अपील होगी एक बार से? मुझे बहुत उम्मीद है और मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री को उम्मीद है कि इस पिक्चर से नो डाउट हमारे फिर से थिएटर में ऑडियंस आएगी और कोशिश की जा रही है कि बेहतरीन सिनेमा देने की, क्योंकि जिम्मेदारी दो ही लोगों पर आती है, एक पवन सिंह, एक खेसारी लाल यादव, यही दो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं और इन्हीं के कंधे पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री ही जिम्मेदारी है जी। अगर अगला भाग वो है तो पिछला भाग ये है, अगर अगला वो है तो पिछला ये है, मतलब दो ही हैं। तो अगर सिनेमा बढ़ती है तो मेरे हिसाब से जो पहले भैया क्या फिल्मों की होती थी, मुहूर्त होती थी, शूटिंग होती थी, अब कहीं ना कहीं देखिए क्या है ना, हमारे यहाँ कहना नहीं चाहिए टीवी टाइप के लोग सिनेमा बनाने लगे, हाँ ये बात, बस 10 दिन में 15 दिन में सिनेमा नहीं बनता, हाँ। सिनेमा के लिए टाइम चाहिए, हाँ। और लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहा, बस यही पूछता है कि थिएटर में सिनेमा लोग क्यों नहीं आते, अरे यार जब क्या बना कमर्शियल आप बनाओगे नहीं, धमक दोगे नहीं ऑडियंस को, मतलब 2.5 घंटे अगर 100 रुपये आपके पास खर्चा करेगा क्यों करेगा, कुछ ऐसा यूनिक हो कि नहीं लोग बोले हाँ यार मेरा 100 रुपया खर्चा हुआ लेकिन मजा आ गया। पवन सिंह की सत्या की बात करते